सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। इसमें अपन को क्या दिया है, कोज ए के प्लस कॉट ए की वैल्यू है 11/2। जैसे मैं कोज ए के प्लस कॉट ए देखता हूँ तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आता है, ये 10th का फॉर्मूला है, कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। अगर इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा, कोजेक ए माइनस कॉट ए इंटू कोजेक ए प्लस कॉट ए जिसकी वैल्यू है 1। ठीक है, तो इससे अपन को कोजे के माइनस फोर्टी, कोजे के प्लस माइनस फोर्टी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, कोजे के माइनस फोर्टी की वैल्यू क्या आएगी, इसको अगर अपन 11/2 रखें तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 2/11। ठीक है, और अपन को क्या दिया है, कोजे के प्लस फोर्टी दिया है 11/2। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या होगा, साइन चेंज होंगे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस और यहाँ पे आएगा एक माइनस। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, -2 cot A और इधर आएगा 2/11 -11/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा नीचे 22 और ये होगा 4 -121। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर ऊपर हो जाएगा 121 -4 कितना होता है, 117/22, वो भी नेगेटिव का। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, -2 cot A की। इस माइनस से ये माइनस हटा दीजिए। ठीक है, अब अपन को 2/10 की वैल्यू मिल गई, कितनी, 117/22। तो इससे 10A की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको यहाँ भेजिए, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, 44/117। इसको देख के अपन आंसर देखें तो आएगा अपना सी आंसर। ठीक है,